देश में एक तरफ एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन के कर्ता धर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो बिल पास होने वाला है और जो सरकार द्वारा लाया जाना है उसका विरोध शुरू हो गया। दरअसल पूर्व चुनाव आयुक्तों ने लेटर लिखे हैं, बकायदा उनसे मांग की है कि इस तरह का हस्तक्षेप और जिस तरह से उनका पद नीचे किया जाने का या मतलब कैबिनेट मंत्री से नीचे किए जाने की जिस तरह की बिल में चर्चा है उसको ना किया जाए, ये मांग पूर्व चुनाव आयुक्तों ने की है। दरअसल संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है और आज से इस सत्र में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही। चार दिन चलने वाले इस विशेष सत्र में 8 बिल फिलहाल लिस्टेड हैं, लेकिन एक बिल की खूब चर्चा है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्त विधेयक 2023 है। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल भी है जो कि आने वाला है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा हुआ बिल बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसको कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि ये सीधे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बिल को अब लाया जा रहा है। इसमें चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर किए जाने का विरोध भी हो रहा है। इसी को लेकर देश के 9 चुनाव आयुक्त जो कि पूर्व में थे उन्होंने पीएम मोदी को बकायदा खत लिखा है। पूर्व चुनाव आयुक्तों का कहना है कि ऐसा करने से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि हमारे देश का चुनाव पूरा दुनिया देखता है और इस पर नजर रहती है। जिन 9 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है उसमें एस कृष्णमूर्ति, एस वाई कुरैसी, एच एस ब्रह्म, सैयद नसीम जैदी, ओपी रावत और सुशील चंद्र का नाम शामिल है। उनका कहना है कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाकर एक कैबिनेट मंत्री के बराबर करने से ऐसा संदेश जाएगा कि ये नौकरशाह है। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस बिल के प्रावधान से ये संदेश जाएगा कि चुनाव आयुक्त भी नौकरशाहों के जैसे होते हैं, उनमें कुछ अलग नहीं। इससे ये धारणा भी खत्म हो जाएगी कि चुनाव आयुक्त नौकरशाही से अलग है और वो सरकार के अंडर में नहीं आता है। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि संविधान के आर्टिकल 325 का जिक्र है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 325 में ये कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों को महाअभियोग के तहत ही हटाया जा सकता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि संविधान भी चुनाव आयुक्त को वो दर्जा देता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। मुख्य चुनाव आयुक्तों ने लिखा है कि भारत में चुनावों की पूरी दुनिया इस पर नजर रहती है और भारत के इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और उसकी प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति में भी किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे ऐसी प्रक्रिया की जरूरत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों और आयुक्तों का एक बड़ा सम्मान रहा है और उन्हें गरिमा के साथ देखा जाता रहा है। देश में उनकी एक अलग छवि और उन्हें न्यायप्रिय माना जाता है। इसकी वजह से भारत में सिर्फ निष्पक्ष चुनाव होना ही नहीं बल्कि चुनाव आयुक्तों के मिला सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा भी इसी में शामिल होता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में ये धारणा है कि भारत का चुनाव आयोग सरकार से मुक्त है और यानी एक तरह से पूरी तरह से निष्पक्ष है और वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है। ऐसे में संदेश भी जाता है कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का कोई हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा नहीं रहता और वो हमेशा निष्पक्ष काम करता है, जिसकी जवाबदेही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ही उनके कर्ता धर्ता होते हैं। लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।